हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सीसर 2020 में शामिल 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग, ओपन काउंसलिंग और एडमिशन के संबंध में लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स लेकर मैं इस खास वीडियो में हाजिर हूँ। आगे मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर जाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को जरूर दबाइए ताकि सीयूसेट के संबंध में कोई भी नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यहाँ देख सकते हैं, आप चाहे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। पिछले 24 घंटे में कोई भी नई नोटिस नहीं आई है, कुछ कोर्सेज में फाइनल एडमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं आई है। आज शाम तक उम्मीद है कि वो लिस्ट लाइव हो जाएगी। आप इस टैब को क्लिक करेंगे, टैब क्लिक करते ही सारे कोर्सेज का नाम आपको दिखेगा यहाँ पर। इन टैब्स को जब आप फर्दर क्लिक करेंगे तो आपको एडमिशन लिस्ट दिखेगी। कुछ कोर्सेज की एडमिशन लिस्ट अपलोड हो चुकी है, कुछ कोर्सेज की एडमिशन लिस्ट अपलोड होना बाकी है। वहीं PhD की अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के PG और PhD कोर्सेज के लिए कोई नई नोटिस पिछले 24 घंटे में नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसा लग रहा है कि PG लेवल के कोर्सेज की एडमिशन प्रक्रिया क्लोज हो चुकी है और PhD के लिए आपको कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने पिछले 24 घंटे में कोई नई नोटिस नहीं जारी की है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि 7 दिसंबर से रिफंड प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली रिफंड होगी, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको एडमिशन की फी वापस कर दी जाएगी। जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है तो उनको एडमिशन कैंसिलेशन कराना पड़ेगा, तभी वो फी रिफंड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसके संबंध में आपको यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं आई है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पडेस्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 8 दिसंबर को ओपन राउंड काउंसलिंग होगी, आप इस लिंक को क्लिक कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नोटिस को पढ़ सकते हैं। वहीं ओपन काउंसलिंग सर्टिफाइड मेरिट लिस्ट भी यहाँ दी गई है, इंस्ट्रक्शंस के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स हैं, आप इन लिंक्स को क्लिक कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं आई है। हेल्प डेस्क नंबर यहाँ दिया गया है, साथ ही साथ ये टाइमिंग है, आप चाहे तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, जैसा कि आप यूनिवर्सिटी के होम पेज को देख रहे हैं, फ्लैश न्यूज़ भी, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नई नोटिस पिछले 24 घंटे में नहीं आई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के एडमिशन पेज को आप देख सकते हैं, UG PG एडमिशन, साथ ही साथ PhD एडमिशन के संबंध में पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आई है। ज़्यादा जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी के आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के एडमिशन पेज को आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं आई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के भी एडमिशन पेज को आप देख सकते हैं, इस पेज पर पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। हेल्पलाइन नंबर यहां दिया गया है, साथ ही साथ ये हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के होम पेज को आप देख सकते हैं, लेटेस्ट जानकारी यहीं आती है, पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं आई है। जो भी जानकारी आएगी आप रिमोट टैब को क्लिक कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की एडमिशन प्रक्रिया क्लोज हो चुकी है, ग्रेवांस के लिए भी 6 दिसंबर तक ही लास्ट डेट था, इसके बाद आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। PhD के कुछ कोर्सेज की मेरिट लिस्ट अभी नहीं आई है, ये कोर्सेज हैं PG लेवल के कोर्सेज और UG लेवल के कोर्सेज की एडमिशन प्रक्रिया क्लोज हो चुकी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की तरफ से पिछले 24 घंटे में कोई नई नोटिस नहीं आई है। यूनिवर्सिटी होम पेज को आप देख सकते हैं, असम यूनिवर्सिटी ने भी CUSET के थ्रू एडमिशन के लिए कोई नई नोटिस जारी नहीं किया है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं आई है CUSET के रिगार्डिंग। बेंगलुरु डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से भी पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं आई है। वहीं खलेकटी यूनिवर्सिटी बहरामपुर ने भी पिछले 24 घंटे में कोई नई जानकारी नहीं दी है CUSET के एडमिशन प्रक्रिया के संबंध में। आखिर में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, इस यूनिवर्सिटी ने ऑलमोस्ट एडमिशन प्रक्रिया क्लोज कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको CUSET में शामिल यूनिवर्सिटीज़ की लेटेस्ट जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस।